नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। चीन ने भूटान से उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके हल करने के लिए कहा है। चीन का कहना है कि सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को कानूनी रूप दिया जा सकेगा। बता दें कि भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोर्जी बीजिंग दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता से जुड़ी खबरों के अनुसार भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान वांग ने कहा कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों देशों के दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा, सीमावर्ता कन्शक और चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना पूरी तरह से देश और भूटान के दीर्घकालीन और मौलिक हितों में है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यूरो ने नेपाल के विदेश मंत्री दोर्जी को बताया। चीनी विदेश मंत्री वांग शक्तिशाली राजनयिक दल के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया कि चीन भूटान के साथ एक ही दिशा में काम करने, ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के पक्ष में है। चीन भूटान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को कानूनी रूप से विकसित करने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं की मुलाकात के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसके अनुसार भूटान के विदेश मंत्री दोर्जी का मानना है कि भूटान और चीन के बीच पारंपरिक मित्रता रही है। उन्होंने भूटान को मजबूत समर्थन और सहायता के लिए चीन को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्री दोर्जी के अनुसार भूटान दृढ़ता से एक चीन सिद्धांत यानी कि वन चाइना प्रिंसिपल का पालन करता है। इसका मतलब है कि ताइवान और तिब्बत चीन का हिस्सा है। दोर्जी ने संकेत दिए हैं कि भूटान सीमा मुद्दे के शीर्ष समाधान के लिए चीन के साथ काम करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने की राजनयिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी समय समय पर दौरों के जरिए संपर्क बनाए रखते हैं। बीजिंग 12 अन्य पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को सुलझा चुका है। भारत और भूटान ही एक ऐसे दो देश हैं जिनके साथ चीन ने अभी तक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर आई खबरों के अनुसार हाल के वर्षों में चीन भूटान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और जटिल सीमा विवाद का समाधान करने पर अधिक ध्यान दे रहा है। बातचीत में तेजी लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बता दें कि डोकलाम पर चीन के दावे ठोकने के बाद भूटान के साथ रिश्तों में तल्खी आ गई थी। भूटान का दावा है कि डोकलाम इलाका उसका है। ये जानना भी रोचक है कि करीब 6 साल पहले यानी कि साल 2017 में डोकलाम पठार में सड़क बनाने के चीन के प्रयासों के कारण भारत और चीन के बीच में गतिरोध पैदा हो गया था। भारत ने डोकलाम ट्राई जंक्शन पर चीनी सेना की तरफ से हो रहे सड़क के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। भारत का कहना था कि सड़क के कारण उसके समग्र सुरक्षा हितों पर असर पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बेहद संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब है। चिकन नेक भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ता है। भारत के कड़े विरोध के बाद बीजिंग को सड़क बनाने की योजना छोड़नी पड़ी, जिससे डोकलाम गतिरोध समाप्त हुआ। धन्यवाद।